मित्रों ये वही दादा हैं, जब ये नए नए आए थे इनकी मैंने बहुत मदद की और काफ़ी दिन इनको अपने पास रखा, लेकिन ये सुधरने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, तो मुझे मजबूरन इनको बाहर करना पड़ा। क्योंकि मेरा उद्देश्य रहता है कि आप परेशान हैं, आप गरीब हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जवाब सवाल करें, और दूसरी चीज़ जो चीज़ मना की जाए उसे करें। हमारे यहाँ पूजा पाठ होती, सब कुछ होता है। ये भाई साहब रोज़ सुबह से लेकर रात तक ठर्रा मार मार के रहते थे, इसलिए इनको मैंने अलग किया। और पागलपंती वाला काम करना, देखिए अभी इस समय ये किसी को बुला रहे हैं, मतलब ये पागलों की तरह, ऐसे क्या मैं बोलूँ मेरे भाई। लेकिन कहीं ना कहीं शराब पी पी करके यहाँ ऐसा वर्क किया कि मैं 5-6 दिन में इनकी वजह से इतना परेशान हो गया हूँ बिजनेस से जुड़ा हुआ। इसके अलावा भी जब ये नए नए आए थे उसी दिन से पंगे चालू हो गए और आज तक मैं बड़ा परेशान हूँ। तो कभी कभी किसी का पैर भी वैसा होता है, इसलिए इनको मैंने बाहर किया है और ये सुधरने का नाम नहीं ले रहे। मैंने इनको बड़ा समझाया, मेरे पिताजी ने समझाया, हमारा चौकीदार भाई आए तो उन्होंने समझाया, कहा कि दादा आप इससे अच्छी जगह कहीं नहीं मिलेगी, आप मत पिया करो दारू और मत गाली गलौज किया करो, मत उल्टी सीधी बातें किया करो। लेकिन इनको समझ में नहीं आया, इन्होंने सीधे कहा कि मैं दारू नहीं छोड़ पाऊँगा, चाहे रखो या ना रखो। तो मैं मजबूर इनको बाहर करना पड़ा। अब आप लोग बताइए कैसे लोगों की मदद करें, क्या करें, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा। हालांकि मुझे भी बहुत तरस आ रहा है कि कोई बुजुर्ग हमारे बाहर बैठ करके खाना खा रहा है, लेकिन अब बात वही है ना कि हमारे सिस्टम के विरुद्ध ऐसा चल रहे हैं कि जहां मुझे सिर्फ बर्बादी ही मिलनी, वो भी ये नहीं मान रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइए कि मैं इनके साथ क्या करूँ। हालांकि मुझे भी बहुत दया आती है, लेकिन क्या बोलूँ, इनको नहीं समझ में आ रहा चीज़ है। तो आप लोग अपना कमेंट जरूर करिएगा, धन्यवाद।